भूमिपुत्र पार्टी की प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर अंबरनाथ में कार्यकर्ता सम्मेलन और पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रकांत मोटे ने शिंदे सरकार की प्रशंसा करते हुए आशा व्यक्त की यह सरकार जनता के हित में काम करेगी। 9 जुलाई 2022 के दिन महाराष्ट्र तथा देश में भूमिपुत्र पार्टी ने अपनी देश सेवा के एक साल पूरा किया है, जिसके उपलक्ष्य में अंबरनाथ की धरती पर पनवेलकर प्लाजा हॉल में कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन और पत्रकारों के लिए एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रकांत रंबाजी मोटे खास रूप से उपस्थित थे। अन्य लोगों में पार्टी के पदाधिकारियों में डोंबिवली शहर अध्यक्ष मोहन कालन, कल्याण ग्रामीण अध्यक्ष लहू भोईर, प्रदेश युवक अध्यक्ष देवी सिंह, उल्लासनगर महिला आघाड़ी की अध्यक्षा जया कांबले, उल्लासनगर उपाध्यक्ष मंगल आमटे, मोहन पावल, महेंद्र कांबले, डेविड पायनवाल, जयश्री कांबले, कुमारी तेरनी साबले, बारकूबाई मड़वी, सुरेखा सवर्णा, शोभा उमप, रेखा आलाद और अलका उमप का सहभाग रहा। दोपहर के समय कार्यकर्ता मेला हो तथा शाम के समय पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था। पत्रकार परिषद का आरंभ देश के महान पुरुषों की प्रतिमाओं के पूजन से किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रकांत मोटे के हाथों शिवाजी महाराज की प्रतिमा का पूजन हुआ। इसी तरह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, माता जीजाऊ का भी पूजन किया गया। इसके बाद पत्रकार के सम्मान में वर्ष का एक लेखा जोखा पेश किया गया। जिसमें भूमिपुत्र पार्टी द्वारा किए गए विकास कामों की जानकारी पत्रकारों को दी गई। अन्य कामों में कल्याण के अड़ौली के रास्ते की दुरुस्ती की जानकारी, दावड़ी गांव के जल संकट की समस्या दूर की गई, 27 गांवों में अमृत योजना के पानी समस्या का छुटकारा भी किया गया, कल्याण का गांधारी पुल की दुरुस्ती किया गया। इस तरह भिवंडी, कल्याण, उल्लासनगर, अंबरनाथ तथा डोंबिवली में किए गए आंदोलन जनता के कामों का लेखा जोखा पत्रकारों के सामने रखा गया। थोड़क संगाइए, भूमिपुत्र पार्टी का उद्देश्य अशा है कि भूमिहीन न्याय देने से अपक्ष जे जाए खाली है न्याय देने से पक्ष काड़े है जे आदिवासी है आतापर्यंत ज्या आदिवासियों कुछ प्रकार से न्याय भेटले नहीं पक्ष काड़े है बेरोजगारी प्रश्न काड़ेला है शिक्षण ज्यादा अड़चने होता है फी वाल होता है तैयार पक्ष का विविध ज्या समस्या है तो समस्या हा पक्ष काड़ेला है विशेष करूँ जे कामगार वर्ग है कामगार वर्ग भी अन्याय अत्याचार हो चलने लगे कामगार वर्ग सुधा आम्मी न्याय देना जे खरोखर दीन दुबले ये आदिवासी है आदिवासी बांधवावरती फक्त आश्वासन चालू आहे। दुसरी गोष्ट जे शेतकरी आहेत जे भूमिपुत्र आहेत आणि त्यांच्यावरती खरोखर अन्याय होत चाललं आहे कारण भूमिपुत्रांच्या जागा हडप करण्याचं षडयंत्र ह्या सरकारने चालू केलेलं आहे। याच्या अगोदर जे सरकारने केलं होतं ना आता आता नवीन जे सरकार आहे ते करतंय का नाही हे बघू आपण। पण मला तर असं वाटतं की खरोखर हे जे आता सरकार हे करेल असं मला वाटत आहे। पण याच्या अगोदर जे सरकार होतं त्यांनी सरकारने कुठल्याही प्रकारचे जे भूमिपुत्रांना न्याय दिलेले नाही फक्त आश्वासन दिलेले आहेत। हा आज मी स्वतः अनुभवलेला आहे म्हणून मी तुम्हाला बोलतो जे शेतकऱ्याच्या जे जमिनी आहेत जे शेतकऱ्या जमिनी आहेत ते हडप करण्याचा प्रयत्न चालू आहे। जे जमिनीवरती जे शेतकरी वर्षानुवर्ष त्यांच्या कब्जा आहे यात तिथे राहतात त्यांना निस्तनाबूत करण्याचा प्रयत्न